आज मैं लेकर आई हूँ गुड़ मखाने मूंगफली के हलवे की रेसिपी। मुंह में रखते ही हलवा घुल जाता है, ये इतना स्वादिष्ट होता है खाने में। और बनाना तो इसे बहुत ही आसान है, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। करीब मैंने यहाँ पे मूंगफली ली है, गुड़ लिया है। यहाँ पर मैं गुड़ और मूंगफली को भिगोने के लिए रख रही हूँ। मैंने गुनगुना पानी लिया है, पानी ना ज्यादा गर्म है और ना ज्यादा ठंडा है। यहाँ पे आधे से एक कप पानी ले लिया है, गुड़ भी मेल्ट हो जाएगा और मूंगफली भी सोख हो जाएगी। 3 घंटे हो गए हैं भिगोए हुए अब, और गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो चुका है, मूंगफली भी फूल चुकी है। कच्ची मूंगफली हमने यहाँ पे ली है, मूंगफली एक्स्ट्रा पानी निकाल लेते हैं। मूंगफली से एक्स्ट्रा पानी भी हमने निकाल लिया है, आप मूंगफली को भून कर भी ले सकते हैं। इससे सिर्फ थोड़ा टेस्ट का आपको चेंज लगेगा, और लेकिन इस तरीके से भिगो के बनाते हैं तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है हलवे में। आप चाहें तो हमें मूंगफली का छिलका निकाल के भी पीस सकते हैं, लेकिन मैं मूंगफली का छिलका नहीं निकाल रही हूँ, हम छिलके के साथ ही पीस लेंगे। मूंगफली को पीसने में हम यहाँ पे पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मूंगफली को भी हमने यहाँ पे दरदरा पीस लिया है, इस तरीके से पीसनी है। और अगर पानी डाल के पीसेंगे तो भी पानी सुखाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मूंगफली अच्छे से भीगी हुई है तो पानी की यहाँ पर बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। गैस ऑन करके कढ़ाई या पैन रख लीजिए। और यहाँ पर लिया है मैंने 2 कप मखाने। मखानों को ड्राई रोस्ट कर लेना है। मखाने हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं, मखानों में कैल्शियम फाइबर की मात्रा में होता है। हड्डियों के लिए मखाने बहुत अच्छे रहते हैं, डाइजेशन के लिए मखाने अच्छे रहते हैं। मखानों की मात्रा आप यहाँ पे कम भी कर सकते हैं और बढ़ाकर भी ले सकते हैं। मखाने भी ड्राई रोस्ट हो गए हैं, अगर हाथों में हम मखाने लेंगे तो ये इस तरीके से चूर हो जाएगा, तो समझ लीजिए कि मखाना ड्राई रोस्ट हो चुका है। गैस की फ्लेम को बंद करते हैं और मखाने को होने देते हैं हल्का ठंडा। हल्के ठंडे हो जाएं तो पीस लीजिए। मखानों को भी यहाँ पे पीस लिया है, अगर थोड़ा चंक्स रहे भी हैं, मखाना बहुत सॉफ्ट होता है। देखिए मखाने को हमने अच्छे से पीस लिया है। अब क्या करना है, गैस ऑन करनी है, पैन रख लेना है और यहाँ पे लेना है 4 से 5 चम्मच मैंने यहाँ पे घी लिया है। घी जब गर्म हो जाए फिर लेना है यहाँ पर 2 छोटा चम्मच बेसन। मैं बेसन, आप बेसन की जगह सूजी भी ले सकते हैं। बेसन को अच्छे से भून लेते हैं। बेसन से हलवे के अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। जब बेसन अच्छे से भून जाए फिर लेना है यहाँ पर पीसी हुई मूंगफली, और गैस की फ्लेम को लो रखना है, लगातार चलाते हुए मूंगफली को अच्छे से भून लेना है। 3 मिनट लो फ्लेम में मूंगफली को हमने अच्छे से भून लिया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसमें से अब सौंधी खुशबू भी आने लगी है। तब इस स्टेज में यहाँ पे ले लेना है मखाने हमने पीस कर रखे हुए हैं, मखानों को भी मिला लेते हैं। मखाने मिक्स करने के बाद लेना है 3 से 4 मैंने यहाँ पे हरी इलायची ली है जिसे क्रश करके लिया है। दूध 1 कप, दूध की जगह आप कंडेंस मिल्क भी ले सकते हैं और क्रीम भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर गुड़ का पानी इसे छान कर लेंगे। गुड़ में बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है, हम यहाँ पे ले लेंगे 2 चम्मच किशमिश और 1 चम्मच बादाम। ड्राई फ्रूट डालना है पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आपको पसंद है अपनी पसंद के आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। गैस की फ्लेम को हाई कर लेते हैं और चलाते रहते हैं। मैंने यहाँ पे गुड़ का इस्तेमाल करा है, आप चीनी का भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ठंड में बना रहे हैं मखाने का हलवा तो आप गुड़ का ही इस्तेमाल करें। गुड़ की तासीर गर्म होती है और आयरन का अच्छा स्रोत है गुड़। अब हलवे को हमने तब तक पकाना है जब तक इसका गुड़ का पानी सूख जाए, उतना हमें हलवे को पकाना है। तले से लगे ना इसलिए लगातार चलाते रहेंगे। अब थोड़ा हलवा सूखने लगा है तो गैस की फ्लेम को लो कर लेते हैं, क्योंकि बबल उठ रहे हैं तो वो अपने ऊपर ही आते हैं, इसलिए गैस की फ्लेम को यहाँ पे स्लो कर लीजिए। गुड़ से पानी भी पूरी तरीके से सूख चुका है और देखिए हलवा बर्तन भी छोड़ने लगा है। जब इस तरीके से हलवा बर्तन छोड़ने लग जाए, अलग होने लग जाए और पूरा घी अलग निकल रहा है, तो गैस की फ्लेम को बंद कर लेना है। हलवा बनके तैयार है। इस हलवे को आप
व्रत में या फिर कभी भी आप इसे बना के खा सकते हैं। ये खाने में स्वादिष्ट है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। गर्मा गर्म हलवा सर्व करने के लिए तैयार है। गार्निश के लिए हम यहाँ पर डाल देते हैं बादाम और काजू की कतरन। मखाने मूंगफली गुड़ की हलवे की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। हलवा खाने में इतना स्वादिष्ट होता है, अगर आप इसे मुंह में रखेंगे तो मुंह में रखते ही हलवा घुल जाता है, उतना ये स्वादिष्ट होता है। तो रेसिपी पसंद आई तो रेसिपी को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस करें, उससे आने वाली हर रोज आपको नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। मिलते हैं रेसिपी के साथ, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।